हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम की डिलीट स्टोरी को देखते कैसे हैं, जैसे कि हाउ टू सी रिसेंटली डिलीट स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। यदि दोस्तों आपके फ़ोन से इंस्टाग्राम में कोई स्टोरी डिलीट हो गया है, रील्स डिलीट हो गया है, कोई वीडियो डिलीट हो गया है, तो दोस्तों आप उसे कैसे देखोगे, क्योंकि दोस्तों आप उसे चाहो तो रिकवर भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको मिलेगा वो सेटिंग और कैसे आप उसे देखोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपको सेटिंग करनी है। और कई सारे लोग तो अपने फ़ोन के अंदर कई सारी गलतियाँ कर देते हैं जिसके थ्रू वो मिलता ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है, और जैसे ही आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करोगे यहाँ पर आपका प्रोफाइल आइकन दिखेगा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में आपके यहाँ पर प्रोफाइल का जो आईडी होता है वो दिखता है। बाकी आपको यहाँ पे ये जो थ्री लाइन दिखता है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, और गलती यहीं पे लोग करते हैं सारा का सारा। अब वो क्या करते हैं कि सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाके वो सेटिंग ढूंढते हैं जहाँ से उन्हें स्टोरी देखने हैं या रील्स देखने हैं जो उन्होंने डिलीट किया है, और वो वीडियो तो उनको यहाँ पे वो सेटिंग मिलता ही नहीं है, काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को सही से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम की डिलीट स्टोरी को चुटकियों में यहाँ पर देख पाओगे और उसे रिकवर भी कर पाओगे। सबसे पहले आपको फ्रेश यहाँ पे ऐसे थ्री लाइन पे क्लिक करने हैं, योर एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे क्लिक करने हैं, और यहाँ पे नीचे आओगे ना तो आपको यहाँ पे कई सारे सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे तीन चार इंट्रैक्शन का, और यहाँ पे रिमूव एंड आर्काइव कंटेंट का, यहाँ पे कंटेंट यू शेयर का, और यहाँ पे सजेस्ट कंटेंट का। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये रिमूव्ड एंड आर्काइव कंटेंट जो है ना, इसके नीचे आपको रिसेंटली डिलीट का एक बटन दिखता है, यहीं पे आपको क्लिक कर देना होता है। और जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपने जो भी 30 दिन के अंदर यहाँ पे कंटेंट डिलीट किया हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे रील्स हो, चाहे वीडियोज हो, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कोई सा भी फोटो हो तो भी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और 30 दिन के भीतर आप इसे यहाँ से रिकवर भी कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि यहाँ से रिकवर भी हो सकता है, तो यहाँ से रिकवर करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इसी सेक्शन में आने हैं, यहाँ तक आपने जिस तरह से पहुँचा आपको यहाँ पे आने हैं, और इस फोटो वीडियो रील्स के ऊपर आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोर का एक बटन दिखेगा, यहीं पे क्लिक कर देना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक रीस्टोर का बटन दिखेगा, एक डिलीट का बटन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे यदि इसे परमानेंट के लिए डिलीट कर देना है तो अभी कर सकते हो, अदरवाइज ये 30 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो ही जाएगा। या फिर यदि आपको रीस्टोर करना है तो आप यहाँ पे रीस्टोर के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे रीस्टोर तो यहाँ से रीस्टोर हो जाएगा। तो ये है तरीका दोस्तों, आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को डिलीट करने के बाद भी देख सकते हो, रील्स को डिलीट करने के बाद भी देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप यहाँ पे 30 दिन के भीतर इसे रीस्टोर भी कर सकते हो, और यहाँ से आप देख भी सकते हो। आई होप कि दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फैमिली परिवार में जरूर इसे शेयर करना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।